नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों यहाँ पे नेचर आइसल टीटन का आज के दिन का दोस्तों दूसरा और आखिरी मुकाबला जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम द वैली हाइकर्स वर्सेस टीम ब्राना ओट वॉरियर्स के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्लेयर्स अपनी स्मॉल लीग की टीम में पिक करने चाहिए, कौन से प्लेयर्स आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में पिक करने चाहिए और आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो आपको वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप इस मैच में विन करना चाहते हैं या दोस्तों आप इस मैच में कुछ भी अर्न करना चाहते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी के समय दोस्तों 15,500 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पर सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा और ये आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच खेला जाएगा विंडसर पार्क जो कि है डोमिनिका में और यहीं पर इनके बाकी मैचेस खेले जा चुके हैं और आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 93 के आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है। बात करते हैं सबसे पहले टीम द वैली हाइकर्स की। तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम ने 7 मैच खेले हैं जहाँ पर दोस्तों 3 मैच इनकी टीम जीती है, 4 मैच इनकी टीम हारी है। जबकि अगर मैं बात करूँ ब्रेव नॉट वॉरियर्स की तो इनकी टीम ने भी टूर्नामेंट के अंदर 7 मैच खेले हैं जहाँ पर इनकी भी टीम 3 मैच जीती है, 4 मैच हारी है। तो देखा जाए दोनों ही टीम्स बराबर की हैं और दोनों ही टीम्स पूरी कोशिश करेंगी आज के मैच को विन करने की और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की। तो ये जो मैच है वो दोनों ही टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन की। पहला नाम यहाँ से निकल के आता है जे जी एन बेंजामिन का जो कि आते हैं भाई अपनी टीम बी ए डब्ल्यू की ओर से। अगर बात करूँ मैं लास्ट मैच में ये आपको किस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, अपनी टीम के लिए दोस्तों ये ओपन करने आते हैं प्लस अपनी टीम के लिए दोस्तों ये कैप्टनसी भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में देखा जाए तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टीम टी वी एच की तो इनकी ओर से भाई पहला नाम आता है तवर्नर का जो कि लास्ट मैच नहीं खेले थे। रेजिस की अगर मैं बात करूं तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे है, लास्ट मैच में तो बैटिंग ही नहीं करने आए थे ऑलमोस्ट नंबर 8 के आसपास भी। तो देखा जाए तो कीपिंग सेक्शन के लिए अभी के लिए आपके लिए जो एक बेस्ट ऑप्शन है वो यहां से जे जी एन बेंजामिन का है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, बाकी और कोई ऑप्शन इतना बेस्ट नहीं है। बैटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो पहला नाम निकल के आता है यूजीन का। यूजीन की बात की जाए तो दोस्तों 92% लोग अपनी टीम में इनको लेके जा रहे हैं। लास्ट इनका जो मैच था वहां पर ये दोस्तों नंबर 3 पर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने आए थे जहां पर दोस्तों अपनी टीम के लिए इन्होंने 24 रन बनाए थे। आज के मैच में भी आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। दूसरा नाम दोस्तों इनकी टीम से निकल के आता है जूनियर हेनरी का, ये भी आपको अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में तो इन्होंने अपनी टीम के लिए 11 रन बनाए थे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर हेनरी एक बॉलर भी है तो कभी भी ये आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं। बाकी यूजीन ने लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग भी की है जहां पर इनको विकेट नहीं मिला है। लिवरपूल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफी ही नीचे है तो इनको भी आपको ट्राई नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं यहां से यूजीन और हेनरी को ट्राई कर लेता हूं। बाकी यहां पर अगर आप बात करोगे तो वॉरियर्स की ओर से के विविल की एक ऑप्शन आती है। अगर मैं इनकी बात करूं तो लास्ट मैच में इनको भी बैटिंग नहीं मिली है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, और अगर बात की जाए बॉलिंग की तो लास्ट मैच में एक ओवर ज़रूर किया था पर काफ़ी ही ज़्यादा महंगे साबित हुए थे। बात कर लेते हैं यहाँ पे टी वी एच की। तो पहला नाम दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है इनकी ओर से जे जेवियर का। जे जेवियर की बात की जाए तो आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो सिर्फ 2 रन ही इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए हुए थे, तो अभी के लिए शायद मैं यहाँ पर पिक ना करूँ। डी मलोनी की बात की जाए तो भाई 25% लोग इनको लेके जा रहे हैं। डी मलोनी की बात की जाए तो भाई काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, विंसी डीडन में तो इनका जलवा ही अलग रहता है लेकिन इस लीग में काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन इतना बेस्ट नहीं है। कि मैगलोर की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों एल मैगलोर की तो ये भी इतना कुछ खास नहीं। तो अगर आप किसी एक बैट्समैन को लेना चाहते हो तो आप यहाँ से मलोनी पर रिस्क ले सकते हो क्योंकि ये क्वालिटी प्लेयर है। मुझे इन पर रिस्क लेने में थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। बाकी जेवियर इनसे थोड़ा ऊपर बैटिंग करते हैं, तो अगर आप वो चीज़ लॉजिक लगाओ तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की। नाम निकल के आता है टाइसन का जो कि आते हैं यहाँ पे भाई ओड वॉरियर्स की ओर से। टाइसन ने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की पर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। इसके अलावा इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा नीचे ही है लेकिन इस टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग काफ़ी कमाल की है, तो आप यहाँ से इनको ट्राई
कर सकते हो। एम मैथ्यू की बात की जाए तो ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच में मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग ही थी, कुछ खास कर नहीं पाए थे, बॉलिंग से भी लास्ट मैच में कुछ भी खास किया नहीं है। तो ऑलराउंडर सेक्शन से एकमात्र जो ऑलराउंडर यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से जी टाइसन है, तो मैं यहाँ से इनको ही पिक करूँगा। बाकी बात की जाए टीवीएच की ओर से तो यहाँ पर पहला नाम आता है ब्रियान जोसेफ का, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की है और अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले हैं, तो अब यहाँ से इनको सिलेक्ट करोगे। दूसरा नाम यहाँ से निकल के आता है केवी का, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग तो की है पर कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है। इसके अलावा बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो वो काफ़ी नीचे ही करते हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी की है टूर्नामेंट में, आप ट्राई करोगे। बाकी आखिरी नाम यहाँ से निकल के आता है आपके सामने आर विलियम्स और यहाँ पे के जेम्स का। आर विलियम्स की बात की जाए तो भाई अपनी टीम के लिए आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में तो अपनी टीम के लिए 29 रन इन्होंने बल्ले से बना ही है। इसके अलावा ये आपको गेंदबाजी भी करके दे रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में थोड़ा सा महंगा सा भी ज़रूर हो गए थे। बाकी के जेम्स की बात की जाए तो लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग इन्होंने भी की जहां पर 1 विकेट निकाला था, तो आप चाहो तो के जेम्स के साथ जा सकते हो। बाकी आर विलियम्स तो एक सेफ ऑप्शन है, मैं यहां से इनको पिक करूंगा ही करूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप किसको बना सकते हो। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पहला नाम यहाँ पे आपके सामने निकल के आता है डी जोसेफ का। डी जोसेफ की बात की जाए तो भाई 78% लोग जो है इनको अपनी टीम में लेके जा रहे हैं। डी जोसेफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए बॉलिंग देखा जाए तो की हुई थी, जहाँ पर इनको 1 भी विकेट नहीं मिला था पर 2 ओवर के अंदर इन्होंने सिर्फ 8 रन दिए थे, तो आप उस कंडीशन पर ट्राई कर सकते हो। मर्कलिन की बात की जाए तो लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की है जहां पर इन्होंने 3 विकेट निकाले, आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहां से एफ बेंजामिन करके बॉलर आते हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला, आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी टीवीएच की ओर से यहाँ पर एक बॉलर निकल के आते हैं लमोथे करके, जो कि लास्ट मैच में बॉलिंग किए थे 2 ओवर की पर इनको विकेट नहीं मिला था। इसके अलावा ब्रियान जोसेफ करके एक प्लेयर है जिसको हम ऑलरेडी शायद ट्राई कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो लमोते को ट्राई कर सकते हो। बाकी डी अलेक्जेंडर भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि 2 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग करेंगे पर इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो टीम है रेडी हो चुकी है, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जो भी ट्रम्प प्लेयर्स थे, हमने भाई पिक कर लिया है। 6 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे वॉरियर्स के लिए हैं, 5 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे टीवीएच के लिए। बात करता हूँ दोस्तों हमारी जो ये टीम है कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कैप्टनसी तो आपको यहाँ पे विलियम्स को ही देनी है, वाइस कैप्टनसी आप यूजीन को दे सकते हो जो कि बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी आप बॉलर को बना सकते हो, बाकी जी टाइसन एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ ही जाऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो हमारी जो टीम है दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुकी है, इसको सेव कर देते हैं, एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लें। सेम टीम के साथ दोस्तों आप स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हैं, सेम टीम के साथ दोस्तों आप ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक बार आप टीम का प्रीव्यू देख लें, जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन ए टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, सीधा आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। अभी के समय 15,500 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, घंटा जरूर दबा देना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।